इस चैनल का वह विश्लेषण बिल्कुल सटीक उतरा जिसमें हमने कहा था कि भारत लोकतांत्रिक तरीके से और दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए उनकी मदद कर रहा है। भारत द्वारा श्रीलंका को 40 करोड़ डॉलर की मदद के संदर्भ में हमने यही बात कही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अमेरिका ने भी भारत के संदर्भ में यही कहा है। यूएस से प्रशासक मार्क ग्रीन ने पेशेवर सेवा परिषद के सातवें सम्मेलन में अपने संबोधन में यही दोहराया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चीन द्वारा दूसरे देशों को दी जा रही सहायता के चलते एक चुनौती पेश आ रही है। अमेरिका भारत के उस मॉडल का पालन करने में अन्य देशों की मदद करना चाहता है जो सहायता प्राप्त करने वाले से एक साझेदार बनने और फिर सहायता देने वाले में तब्दील होने की प्रक्रिया को दर्शाता है। गौरतलब है कि भारत ने पिछले कुछ समय से अपने पड़ोसी देशों को चीन के कर्ज जाल से निकालने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। इसके लिए उसने मालदीव को बहुत हद तक चीन की पहुंच से दूर कर दिया है, जबकि श्रीलंका को बाहर निकालने के लिए प्रयास जारी हैं। इसके लिए भारत द्वारा श्रीलंका को दी गई 40 करोड़ की मदद बहुत हद तक कारगर हो सकती है। बड़ी बात यह है कि भारत के साथ जापान भी श्रीलंका को चीन के चंगुल से बचाने के लिए प्रयासरत है। यहां पर कोलंबो पोर्ट को चीन के चंगुल से बचाने के लिए दोनों देशों ने मिलकर काम शुरू कर दिया है। भारत और जापान कोलंबो पोर्ट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका का यह बयान भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है, जिसमें उसने कहा है कि भारत पहले हमसे अनाज लेता था और आज वह एक ऐसा ताकतवर मुल्क बन गया है जो अफगानिस्तान के विकास में पांचवा दाता है। सभी देश भारत जैसे नहीं है, कोई भी देश अपनी यात्रा में इतना आगे नहीं बढ़ा है। ट्रंप प्रशासन के इस शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि भारत अमेरिका के लिए एक मॉडल है, वे इस तरह का मॉडल दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। भारत ने सहायता ग्रहण करने से लेकर एक सहयोगी बनने और अब एक दाता बनने की बेहतरीन यात्रा तय की है। मालदीव, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार जैसे बहुत से देशों के इतर ईरान और अफगानिस्तान में भारत ने मोटा निवेश किया है। अब तक अफगानिस्तान में भारत 139 अरब रुपए का निवेश कर चुका है। यहाँ हैरात में बने सलमाबाद में ही 30 करोड़ डॉलर भारत ने दिए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान की संसद का निर्माण, 1000 बसें 2011 में लाखों कुंतल अनाज भी अफगानिस्तान को दिया गया। यह सब भारत ने मानवीय आधार पर किया है, जबकि चीन इसके उलट दूसरे देशों की मजबूरी का फायदा उठाने से नहीं चूकता। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका जीवित उदाहरण है। अफ्रीका के बहुत से देश उसकी इसी नीति का शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर आज अमेरिका भी चिंतित है। गौरतलब है कि पिछले साल ही अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस विषय पर चर्चा हुई थी कि ये देश संयुक्त रूप से एक फंड का निर्माण करें और उसे आसान शर्तों, कम ब्याज और दीर्घकालिक अवधि के लिए गरीब देशों को दिया जाए। हालांकि यह काम एशियाई बैंक और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी कर रही है, किंतु ये संस्थाएं किसी भी देश को कर्ज देने से पहले बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करने के साथ उसके आर्थिक हालातों की समीक्षा भी करती है। चीन इसी का फायदा उठाकर कर्ज बांट रहा है, वह इस प्रकार की कोई समीक्षा नहीं करता और मोटे ब्याज पर पैसा दे देता है, जिसके बाद गरीब देशों के वश में उसे चुका पाना मुश्किल होता है। चीन उनकी व्यवस्था का फायदा उठाकर उनके संसाधनों पर अतिक्रमण करने के अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप में भी दखल देना शुरू कर देता है। संभव है भारत के दिशा निर्देशन में ऐसे किसी फंड का निर्माण अवश्य होगा, क्योंकि चीन की विस्तारवादी सोच के चलते ऐसा करना जरूरी भी हो गया है। भारत द्वारा गरीब और चीन की तरफ आकर्षित हो रहे ऐसे देशों की मदद निसंदेह एक संजीवनी के समान है। इन देशों के लिए भारत जैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला मुल्क एक विकल्प बन रहा है। हालांकि भारत के सामने अपने लिए भी काफी चुनौतियां हैं, मगर चीनी ड्रैगन से लड़ने के लिए मिलकर प्रयास जरूरी हो जाता है। अमेरिका द्वारा भारत के मॉडल की प्रशंसा करना उन देशों को अवश्य प्रेरित करने वाला है जो आज अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के मोर्चे पर जूझ रहे हैं। वैसे किसी भी देश को प्रगति देने में लोकतंत्र का अहम स्थान है,
क्योंकि इससे जनता की पकड़ सरकार पर बनी रहती है और एक तरफा तानाशाही फैसले मुमकिन नहीं होते। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते ऐसा साबित भी किया है। शायद यही वजह है कि भारत को आरसीईपी में लाने की चीनी साजिश या उठे जरा से विरोध से असफल हो गई। लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।